देखिए जो चीजें आदत लग जाती, हम लोग कह सकते हैं कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं, तो जो लगातार 5 साल का लूट हुआ उसके पहले भी 12 साल का लूट हुआ, लूट कोई भूल सकता है क्या? वो एक तो कहावत है ना कि कोई एक है जो उछलता कुत्ता है, वो कितना भी बूढ़ा हो जाए तो गुलाटी खाना नहीं भूलता। तो उसी तरह की बातें अब दीपकदा कह रहे हैं, तो मैं इस पर क्या जवाब दूं? दादा सरकार की जो नई नियोजन नीति आई है, जो कैबिनेट से अप्रूव हुआ है, अब क्या जीवन का नजरिया क्या है उसको लेकर, क्या आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये सही है? देखिए सरकार ने बहुत सोच समझ करके चीजों को आगे बढ़ाया है और जो पार्टी की भावना है उस भावना के अनुरूप है। हम इस नियोजन नीति का न केवल समर्थन करते हैं बल्कि आशा करते हैं कि इस नियोजन नीति के तहत इस वर्ष हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी नियोजन, सरकारी रोजगार के साधन उपलब्ध करवा पाए। दादा आप तो ऐसे कह रहे हैं कि पार्टी इसके पक्ष में है, तो फिर 32 के मुद्दे से पलायन कर गई पार्टी? 32 हमारी पहचान है। अच्छा, वो नियोजन का आधार नहीं होगा? 32 हमारी पहचान है, खतियान हमारा पहचान है, उस पे हम कहीं भर भी पीछे नहीं। लेकिन ये तो ओपन टू ऑल हो गया ना, आप तो इसी के खिलाफ थे? हम कभी भी रोजगार के खिलाफ, नौकरी के खिलाफ नहीं थे। कुछ लोग रोड़ा अटका रहे थे और आप देखे होंगे हम लोगों ने जब 14 महीने की सरकार बनाई थी तो उस अल्पकाल में ही हजारों लोगों की नियुक्ति हुई थी, चाहे स्वास्थ्य में हो चाहे अन्य सेक्टरों में हो। धन्यवाद। आपको नहीं लग रहा कि लीगली राइट होने के चक्कर में आपके कार्यकारी अध्यक्ष पूरा पॉलिटिकली रॉन्ग हो गए? मेरे कार्यकारी अध्यक्ष परिपक्व हैं, लोगों की आकांक्षा को न केवल समझते हैं बल्कि उसमें जीते हैं, इसलिए ये हमारा कहीं से भी इसका दुष्प्रभाव जिसकी कल्पना आप लोग कर रहे हैं वो नहीं होने वाला। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।